कमाल खान के निधन पर फिरोजाबाद में भी शोक। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर पत्रकारों ने शोक जताया व श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब ऑफ फिरोजाबाद सुधीर शर्मा ने कहा कि कमाल खान का निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में आई रिक्तता की भरपाई नहीं की जा सकती। कमाल खान जी से हमारी मुलाकात आगरा में पीठम में हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कवर करने आए थे। बात यह है, 2 साल पहले की बात है, मेरी वही पहली और अंतिम मुलाकात थी। उन्होंने मुझे हालांकि नंबर भी दिया था, उसके बाद मैंने एक बार कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने बोला था व्यस्त हैं। कमाल खान जी पत्रकारिता के बेहद धनी आदमी थे। उनके जो पत्रकारिता का जो अंदाज था वो बिल्कुल ही अलग और निराला था। आज के दौर में उन जैसी पत्रकारिता और निष्पक्ष रिपोर्टर होना बहुत मुश्किल काम है, और हम पत्रकार होने के साथ साथ और लोग को भी ये बस बताना चाहते हैं, उनसे लोग कुछ सीखें और उनको हम श्रद्धांजलि तहे दिल से देना चाहता हूँ। पत्रकारिता जगत की अनूठी आवाज़ का आज एक अंत हो गया। टीवी पत्रकारिता के बहुत बड़े चेहरे थे कमाल खान सर। किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी खबर को लेकर उनसे कल ही मेरी बात हुई थी, लेकिन आज सुबह जैसे ये समाचार मिला कि कमाल खान सर हम लोगों के बीच नहीं रहे, हृदय गति रुकने से उन्हें आकस्मिक निधन हो गया। हम सभी पत्रकार और सभी फिरोजाबाद के जर्नलिस्ट दुआ करते हैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व पर सुबह सुबह बेहद दुखद खबर मिली। एनडीटीवी इंडिया के रेजिडेंट एडिटर यूपी के हेड कमाल खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मात्र 62 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। क्या कहें, कमाल खान जी के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। जब भी लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से लखनऊ जाना होता था, फिरोजाबाद रुक कर जाते थे। यहाँ पर चूड़ी की खबर बनाना हो, श्रमिकों की खबर बनाना हो, या किसी न किसी बहाने से पत्रकारों से मिलते रहते थे। बहुत टिप्स देते थे, स्क्रिप्ट लिखने के तरीके तक बताते थे, और हमेशा कहते थे कि आप जब भी काम करो ईमानदारी से करना और अपने संस्थान का नाम नीचा नहीं होने देना। कमाल खान सर, बहुत यादें हैं आपके साथ। किसी भी टाइप की खबर जब भी हमने एनडीटीवी इंडिया पर देखी तो कमाल खान सर की एक छाप हुआ करती थी। मुस्लिम होते हुए भी किस तरह से संस्कृत की शब्दावली पर नियंत्रण था, चाहे वो अयोध्या की खबरें बनाई हो, मथुरा की खबरें बनाई हो, मथुरा में होली के पर्व की खबर बनाई हो, राम जी की खबर बनाई हो, उनकी स्क्रिप्टिंग का जवाब नहीं होता था। बहुत से लोगों ने सीखा है उनसे, हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे। कमाल खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अपना मुकाम बनाया, शायद उस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाए। यादों में बसे रहेंगे कमाल खान साहब। प्रेस क्लब फिरोजाबाद जनपद के सभी फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट की तरफ से आपको श्रद्धांजलि। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में वास दे। कहने का मन तो नहीं करता, फिर भी कमाल खान साहब अलविदा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।